हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट रूल सर्वाइवल। एंड काफ़ी ज़्यादा भाई लोग बोल रहे थे कि भाई बस कर यार, कितना वीडियोस डालेगा लास्ट डे रूल सर्वाइवल के उस सर्वर का, नया सर्वर स्टार्ट कर। सो फाइनली गाइस, हम लोगों ने कर लिया एक न्यू सर्वर स्टार्ट। मैंने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से रिकमेंडेशन मांगी थी कि हम लोग कौन सा सर्वाइवल करें, बायो, पीकवुड, गैस स्टेशन। तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मेरे को आए कि बायो में खेलना, इस बारी जो म्यूटेंट मार रहे हैं उनको मारेंगे। तो मैंने कहा यार ये प्लान तो काफ़ी गजब का है, बट ये वीडियो जो है ना हम लोगों ने एक दो दिन पहले खेला था, सो वाला वीडियो है। एंड जस्ट हम लोग कर देंगे आज या कल को स्टार्ट बायो का सर्वाइवल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट ये सर्वर भी गाइस हम लोग इस सर्वर की तरह खेलेंगे, मतलब जो बायो सर्वाइवल करेंगे ना वहाँ पर भी खूब मज़े करेंगे, जो ईजी मारने वाले आएंगे उनको मारेंगे एंड उनको परेशान करेंगे। तो भाई काफ़ी एपिक जर्नी बनाऊंगा वो भी मैं, बट वो जर्नी जो है ना मैं ज़्यादा नहीं खेलूँगा, जस्ट 5 से 6 दिन बस। तो चलो गाइज, अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे आए हैं और मैंने डिसाइड करा क्यों ना हम लोग बेस बनाते हैं अपना गैस स्टेशन के पीछे, मज़ा आता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने फटाफट से अपना 2x2 का बेस बनाया एंड उसके बाद सबसे पहले तो अपना काम किया है शॉटगन। तो यार इस सर्वर में मैं काफ़ी ज़्यादा लेट था क्योंकि मैंने रात को आई थिंक 10 बजे करीब स्टार्ट किया था सर्वर, अराउंड 7 बजे करीब आया था। तो मुझे पता था डेफिनेटली मेरे को कार्ड वगैरह तो नहीं मिलने वाले, एंड अपन किस तरीके से सर्वाइव करेंगे वो तो अभी पता ही चल जाएगा आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को एक बॉट दिखा, इसको बजाता हूँ। अबे निकल जा भाई बाहर। ओके निकला, 2 बुलेट्स लगी उसमें, बट ये दोबारा से पेड़ के अंदर घुस गया, अब मारूंगा। तो भाई यहाँ पे मेरे को फ्री में जो है ना मचेट वगैरह मिल चुका है, फटाफट से लेके चलता हूँ, मचेट को रखूंगा मैं अपने बेस में एंड उसके बाद हम लोग शॉटगन निकाल के चलते हैं बंदों को पेलने के लिए। तो जब तक मैं यहाँ पे शॉटगन्स वगैरह निकाल रहा हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में आए एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड आज की वीडियो में कोई भी लाइक का एम नहीं है, आपकी मर्जी है, करना है तो कर देना, नहीं तो छोड़ दो। तो अभी मैंने यहाँ पे फर्नेस लगाई, सबसे पहले जितना भी मेरे पास थोड़ा सा बॉट मार के सल्फर एंड आयरन है वो मैं डालता हूँ फर्नेस में। एंड मुझे जो है ना अभी सबसे पहले वुड चाहिए, क्योंकि जब हम लोग फर्नेस में कुछ सामान वगैरह स्मेल्ट करेंगे तभी अपने को ना शॉटगन की एमो बनाने का सामान मिलेगा। तो चलो अभी हम लोग इसी को मेल्ट कर लेते हैं, स्प्लिट करता हूँ इसको, ठीक है, स्प्लिट करा मैंने आधे में। ओके इसको डालता हूँ नीचे एंड ये अरे यार दोनों तरफ दोनों नीचे गिर गया, बट कोई नहीं, अभी मैं दोबारा से निकालता हूँ, दोबारा से स्प्लिट करके फिर डालता हूँ इसके अंदर। चलो 600 के करीब हम लोग नीचे डालेंगे एंड बाकी 300-300 के स्प्लिट करके हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में डाल देंगे। सो अपने पास आयरन भी हो जाएगा, सल्फर भी हो जाएगा एंड चारकोल भी हो जाएगा। तो अभी मैं फटाफट से शॉटगन की बुलेट्स बना रहा हूँ एंड फाइनली यहाँ पे अपने को शॉटगन मिला। चलो भाई अब चलते हैं थोड़ा सा मज़े करने के लिए। सबसे पहले तो मैं गैस स्टेशन चेकआउट करके आऊँगा भाई, वहाँ पर अपने को डेफिनेटली कार्ड मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। एंड जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा, अभी मेरे को कोई हरकत वगैरह तो नहीं दिख रही है, ओ हरकत दिख गई वो रही, चलो इसको मार के आते हैं। भाई ये बंदे ने मेरे को देखा भागने लगा, वो फान कर रहा है कहीं को, चल भाई निकल, सबसे पहले तो तेरी कपाल फोड़ूंगा मैं, चल निकल। 67 का डैमेज आया पिस्टल का। तो अभी मैंने इसको मारा, मैंने कहा चलो हम लोग अंदर जाके चेकआउट करते गैस स्टेशन के, मे बी मास्क मिल गया और कार्ड मिल गया तो अपने मज़े ही आ जाएंगे। बट मैं यहाँ पे पहुँचा, मुझे बंदे के फुटस्टेप्स आए थे तो मैं बंदा ढूंढने लगा, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बंदा है यहाँ पे बट है कहाँ पे मुझे नहीं पता। ओके 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 ओके, बंदा देखो यहाँ पे बैठा हुआ है। हेलो ब्रदर, वेयर आर यू लुकिंग? आतिफ भाई थे ये अपने। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने आतिफ भाई को मारा एंड उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने कहा चलो एक बारी गैस स्टेशन चेकआउट करते हैं। यहाँ पे मेरे को लार्ज बॉक्स का रेसिपी मिला, उठा के फटाफट से लन कर लेता हूँ। तो ठीक है मैंने यहाँ पे लन किया, ओ भाई मास्क आ गया, चलो फटाफट से मास्क उठाता हूँ क्योंकि मुझे डेफिनेटली लगता है अबेंडेंट जाना पड़ेगा लेवल 2 के मास्क के लिए। पूरा का पूरा लूटेड है, निकलते हैं यहाँ पे से और चलते हैं थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। तो उसके बाद यार यहाँ पे से मैं थोड़ा सा स्पेयर फार्म करते जा रहा था, ये बंदा दिखा मेरे को रोड में स्पेयर फार्म करते हुए एंड मेरे को देख के भागने लगा। मैंने कहा ये मेरे को देख के भाग क्यों रहा है, लगता है इसके पास SMG है। तो भाई इसको मैंने शॉटगन की 3-4 बुलेट्स में मारा। ओके इंडियन 64 भाई, अरे यार ये तो घोड़े का खाना कलेक्ट कर रहे हैं।
उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे पहुंचा। यहाँ देखो भाई, दो बंदे डंडे से लगे हुए हैं। अरे भाई, गेम वालों ने शॉटगन दिया है, शॉटगन निकाल को मारो सालों को एक दूसरे को। नहीं, फिर भी चलाना है तो डंडा ही है, बट कोई नहीं, अब मरे हैं शॉटगन से, फिर अब लेके आएंगे शॉटगन। तेरे कमर तोड़ो मैं डंडे से, ठीक है? तो भाई यहाँ पे मेरे को कम से कम 5 नंबर्स मिले, आई मीन जो डोर के पासवर्ड्स होते हैं ना, उसके मेरे को फ्रेगमेंट्स मिले। तो फटाफट से मैं सारे के सारे फ्रेगमेंट्स को लर्न करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं दोबारा से। बट उससे पहले मैं जो है ना, अपने थोड़े से क्लॉथ मेरे को मिले, जो चड्डी बनियान वो डिसमेंटल मारता हूँ, क्लॉथ तो मिलेगा अपने को, तो ठीक है यहाँ पे डिसमेंटल होता रहेगा। और अभी अपन लोग जो है ना उठा के फिर निकलते हैं। देखना पड़ेगा यार कहाँ पे जाना है अपने को, अभी मेरे को कुछ नहीं पता मेरे को जाना कहाँ है। तो उसके बाद यार यहाँ पे मेरे को मेरे टीममेट ने बुलाया कि भाई मेरे को SMG वगैरह मिल चुका है, फटाफट से आ जा। तो मैंने फटाफट से गया, तो सेफ मेरा खुल गया था, तो मैंने डाला SMG अपने सेफ में। एंड उसके बाद जो है ना, मैं SMG को तो लेके आ चुका हूँ अपने घर में। तो SMG लर्न करने के लिए अराउंड 450 स्पीयर के करीब चाहिए एंड उसके लिए मिड वर्क बेंच चाहिए। तो मैंने डिसाइड करा अपने पास 500 के करीब स्पीयर्स है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ना अपनी वर्क बेंच को मिड करते हैं एंड उसके बाद हम लोग SMG का रेसिपी निकालने के लिए चाहिए अपने को 450 के करीब स्पेयर। तो अराउंड 250 के करीब स्पेयर चाहिए क्योंकि 200 स्पेयर तो मेरे पास है। 250 स्पेयर जमा करने, फिर निकला मैं थोड़ा सा स्पेयर वगैरह जमा करने के लिए, बट ये बंदा दिखा मेरे को रोड में, फिर भागने लगा। मैंने कहा रुक जा, ये कवर लेके बैठा हुआ था, मेरे को पता चल गया था बंदे के पास शॉटगन है। भाई अगर उस बंदे का शॉटगन मेरे में चमकता ना तो मैं चमक ही जाता, बट कोई नहीं, हम लोगों ने उसको चमका दिया। एंड उसके बाद मैं पहुंचा यहाँ पे अबेंडेंट में, अपने को क्या मांगता, अपने को कार्ड मांगता। आई मीन ओरे भाई, एमो चेस्ट है, कार्ड है मेरे पास, फटाफट से चलते हैं वायर डालने। एंड जैसे गाइस मैं यहाँ पे पहुंचा ना, मुझे ऊपर मास्क दिखने लगा, बट मास्क के साथ साथ बंदा भी है भाई, मतलब बंदा लेवल 2 का मास्क कैंप कर रहा था यहाँ पे। रुक जाओ भाई, इसको मारेंगे अपन भाई, मास्क रुक जा, शॉटगन बजाओ तेरे खोपड़े में, 21-21 का लगा भाई। बंदे के पास भी डेफिनेटली शॉटगन ही होगा, ऊपर जाने की गलती नहीं करना ना बाबा, ना ऊपर नहीं जाना, ऊपर गया ना बंदा ऐसे शॉटगन मारेगा, ऐसी शॉटगन मारेगा ना कि जिंदगी भर याद रखूंगा मैं। रुक जा भाई, लॉन्ग रेंज मारो शॉटगन, परेशान होकर ना खुद कूदेगा नीचे, मुझे पता है। चलो मारता हूँ इसको, अबे किधर गया, दिख तो जल्दी, अबे मुंडी नहीं दिखा रही अपनी, है किधर? ओके ओके यहाँ पे है, देखो इधर जाता हूँ अब। अरे भाई निकल जा भाई बाहर, ओके ये रहा, फिर उधर भाग गया, गुस्सा आ रहा है मेरे को, वो भी सोच रहा है मैं रश करूंगा, बट मैं रश नहीं करने वाला, वो खुद मेरे पे रश करेगा। अरे भाई कूदा, देख रहे हो बंदे का स्वैग, ले बेटा निकल, एक शॉट करे बट ओपे, इसमें कर इसमें कर, मेरी शॉटगन रिलोड है, फटाफट से रिलोड करो, एक खाक बुलेट 28 का, अरे नहीं 18 का लगा यार, पीछे जा पीछे जा सूरज, पीछे जा, आगे निकल, चल बेटा निकल, पहली फुर्सत में कर इसमें कर यूज, ले भाई एक और शॉटगन का फटका, अरे ग्रीन कार्ड मिला, बट यार लेवल 2 का मास्क नहीं गिरा यार, आई हेट दिस गाइस, बट कोई नहीं, ग्रीन कार्ड मिल गया बेचारे का। चलो मैं फटाफट से यहाँ पे वायर डालता हूँ एंड ग्रीन रूम करता हूँ, चलो चलते हैं आराम से ग्रीन रूम करेंगे। मेरे पास 15 वायर था, मुझे फटाफट से ग्रीन रूम करके बाहर निकलना है, वेट नहीं करना है, चलो लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है। चलो फटाफट से मैंने डोर ओपन करता हूँ, सबसे पहले एमो चेस्ट, ओके भाई क्या चाहिए, मिल गया, SMG है, रेड डॉट है, आई एम द रिच पर्सन ऑफ दिस सर्वर। 3 घंटे लेट स्टार्ट करने के बाद भी हमें SMG रेड डॉट सब चीज मिल चुका है भाई, अब आएगा ना मजा। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं, यहाँ पे हम लोग सामान वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना अपन लोग चलेंगे पेस में। बट जैसी गाइस यहाँ पे मेरा बैकपैक फुल था, तो मैं अपना बैकपैक पे लूट वगैरह देखने लगा था, एंड मैं यहाँ पे भूल चुका था कि मैंने वायर जो है ना कम डाले हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने डोर ओपन किया, तब तक जो है ना अपने साथ स्कैम हो गया, डोर ओपन करते ही ना वायर खत्म हो गया एंड मैं जो है ना अंदर ही फंस गया। मैंने कहा क्या करूँ, सबसे पहले ऐसे करता हूँ ना, जो मेरे पास रेड डॉट है वो डालता हूँ सेफ में
एंड उसके बाद आराम से सेल्फ करके बेस निकल जाऊंगा, एटलीस्ट अपना रेड रोड तो सेफ रहेगा। तो भाई यहाँ पे हम लोग बेस में पहुंच गए, वो रेड डॉट मैंने अपने बेस में रख दिया। यहाँ पे जो है ना कालू भाई को बंदे बजा रहे थे शॉटगन से, मैंने कहा चलो ठीक है। तो कालू भाई ने बोला नेक्सस ऐसे कर ना अपने पास आ जा, यहाँ पे गैस बॉम्ब सेल्टर में काफी बंदे कैंप कर रहे हैं, सबके सब शॉटगन लेके दो दो तीन तीन बंदे। मैंने कहा चलो ठीक है हम भी आते हैं। तो उसके बाद मैं भी पहुंचा फटाफट से यहाँ पे। एंड अब जो है ना गाइस हम लोग करते हैं थोड़े से मजे, मतलब जैसे को तैसे करना है अपने को, शॉटगन वाले को शॉटगन से बजाएंगे। चलो ठीक है मैं। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बुलेट्स वगैरह दे दिया, आर्मर दे दिया, मास्क दे दिया, एंड लेट्स गो। सबके सब यार मजे ही कर रहे हैं आजकल। बाकी एटलीस्ट यार ग्लोबल में बताओ क्या सीन है, चार दिन पांच दिन खेलो ना तो भरपूर बंदे मिलते हैं। अब गेम जो है ना एटलीस्ट गेम सिर्फ बंदे मजे के लिए खेलते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी खेल के क्या फायदा यार, पूरा मजदूरी करते रहो एंड मजा भी नहीं आए, सिर्फ बैच के लिए खेलो। क्या है बैच? कुछ नहीं है। वैसे भी इंडियंस हम लोगों का तो कुछ है ही नीचे भाई, मजदूरी करते हैं पूरा सर्वर में एंड बैच ड्रॉप में बुलाएंगे थाईलैंड के बंदे, बेस रेड मारने के लिए बुलाएंगे थाईलैंड के बंदे, मतलब हम लोग सिर्फ फार्मर है। अरे पठान, सीधी बात है। ओ पठान। चलो यार अभी मेरे पास थोड़ा सा कंपोनेंट्स वगैरह मिला है, मैं उसको जो है ना यहाँ पे डिसमेंटल करता हूँ और उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पे मैं डिसमेंटल कर रहा था, मेरे को आगदर से फुटस्टेप्स आए, मैंने कहा बंदा है, मुझे पता नहीं था भाई उस बंदे के पास उजी है। भाई उजी मारा तो मैंने अपने टीममेट से बोला उधर जाओ मैं इधर से पुश मारता हूँ, ये मेरे को नक करेगा, तुम पीछे से आके उसको बजा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। चलो यार अभी देखते हैं। चलो कालू भाई उसके काफी क्लोज पहुंच गया, मैं ऐसे करता यहाँ से इसको मारने का ट्राई करता हूँ। भाई मेरे को नॉक किया, मार भाई, लगा उसको एक शॉटगन का फटका एंड खत्म। भाई मजा आ गया, बट यार मैंने बोला कालू भाई उसका उजी गिरा ना बा, मतलब यार हम लोग बंदे मार रहे हैं, बंदों का यार चड्डी बनियान कुछ नहीं गिर रहा है। अगर हम लोग मर गए ना तो 101% अपना आर्मर भी गिरेगा, अपना SMG भी गिरेगा एंड अपना सब चीज झड़ेगा। हमारे साथ गेम वाला कोई रहम करता ही नहीं है। बट अरे भाई देख लो गाइस, ये बंदा, बंदे के फुटस्टेप्स नहीं आए एंड बंदा जंप करते हुआ रहा है, जिससे जंप हम लोग भी करते हैं क्योंकि जंप करते हुए फुटस्टेप्स नहीं आते, तो आप लोग समझ लीजिए कि कैसे बंदे। चलो अभी मैं नोक होके आ तो गया हूँ अपने बेस में एंड स्पीयर्स वगैरह थे वो मैं अपने कैबिनेट में रखता हूँ, गन लेके दोबारा से चलता हूँ। मुझे पता है वो बंदा इतनी जल्दी तो बाहर नहीं निकल पाएगा, सबसे पहले अपना शॉट गन को जो है ना रिलोड करता हूँ। चलो मार दिया आराम से, पेल लेंगे इनको, पेल लेंगे, पेल लेंगे। तो गाइस यहाँ पे वो बंदे को तो पेल दिया मैंने जो मेरे को पेला था एंड मिला उससे यार कुछ नहीं, बट लेवल 2 का मास्क मिल गया यार एक आधा। बट अभी हम लोगों का प्लान था अपने को जो है ना ड्रॉप में जाना है, तो उसके लिए कम से कम हम लोग 4 मास्क का जुगाड़ तो करना पड़ेगा। ये देखो बंदा क्या ही कैंप कर रहा है यार, मतलब लेवल 2 के मास्क के लिए। भाई मेरा तो मन कर रहा है गाइस अब हम लोग बॉम्ब सेल्टर भी खेल सकते हैं यार, मजा आएगा, मतलब कैंपिंग दबा के शॉटगन वाली, मतलब यार इतना कैंप लेवल 2 के मास्क के लिए, यार ये चीज गलत है। मतलब लेवल 2 का मास्क ना मेरे हिसाब से तो रोड्स में मिलना चाहिए। चलो फटाफट से यहाँ पे ग्रीन रूम था, ग्रीन रूम पे एमओ चेस्ट था, उसको लूट के देखते हैं। भाई पिस्टल मिला, क्या करूं इस पिस्टल का, किसको मारूं, अपने को लगता वही है और तो कुछ है नहीं, कचरा ही है। अरे भाई ठीक है चलो निकलते हैं बाहर, निकाल दो निकाल दो। तो थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स वगैरह मिला, मैं ऐसे कर दो ना यहाँ पे ये कंपोनेंट्स को डिसमेंटल करता हूँ नॉर्मली बिना पैसों में। उसके बाद यार हम लोग कंपोनेंट डिसमेंटल कर रहे थे एंड यहाँ पे एक आया उजी वाला बंदा, बट उसको पता नहीं था यार अपने टीममेट के पास भी उजी है। भाई देखो क्या ही गजब तरीके से अपने टीममेट ने उसको भरा। भाई याद रखेगा मतलब बंदे भी हैं कुछ,
उधर वो पेल रहे हैं। तो भाई उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि अपने को एसएमजी लर्न करना है, तो हम लोग थोड़ा सा यार कंपोनेंट्स वगैरह फार्म करने आए थे ये स्प्रिट मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो यहाँ पे अपने टीममेट जो है ना स्प्रिट मॉन्स्टर को क्लिच कर रहा है एंड मैं जो है ना उसको चकुए से काट रहा हूँ। ओके मर गया भाग पीछे निकल पीछे। चलो ठीक है कितना कंपोनेंट्स दिया भाई ठीक ठाक कंपोनेंट्स दे दिया अपने को। आई थिंक स्प्रिंग्स दिया एसएमजी बनाने के लिए एंड पाइप अंदर आए पाइप को डिसमेंटल कर देंगे बट अंदर चलते हैं। अंदर एक मोटा होता है एंड एक स्प्रिट मॉन्स्टर होता है उसको मारना है। निकल जाऊंगा बाहर रेडिएशन कर रहा है। चलो जंप करो। अरे नहीं लग रहा है। ओके हो गया अब चलते हैं ना हम लोग अंदर। चलो भाई मोटा है। ओके अभी स्पॉन हुआ मोटा ही है। मैट मिला था मैट उठाता हूँ ये। चलो इस मोटे को बजाता हूँ मैं। चल मोटे निकल। ये मोटा गजब लूट देता है यार कुछ भी बोलो। बंदा है वहाँ पे। ये मोटा ना मस्त लूट देता है। तो मेरे पास मास्क वगैरह नहीं था। मैंने कहा तुम वाला स्प्रिट मॉन्स्टर को मार के आओ क्योंकि तुम्हारे पास लेवल 2 का मास्क है। मैं ऐसे करता हूँ ना यहाँ पे सब भगता हूँ। तो भाई उसके बाद मैं फटाफट से अपने बेस में पहुंचा। मैंने कहा अब टाइम आ चुका है कि हम लोग 2 घंटे करीब खेल लिया है अब एसएमजी एंड रेड डॉट का रेसिपीज वगैरह लर्न करते हैं। सो मैं यहाँ पे से स्पीयर वगैरह उठा रहा हूँ और लेके चलते हैं फटाक से अपने बेस में। कितने स्पीयर है 700 के करीब स्पीयर है। आई थिंक एसएमजी एंड रेड डॉट का रेसिपी तो निकल जाएगा। थोड़े से स्पीयर ना उधर भी हैं। पहले अपना आर्मर निकालता हूँ। आर्मर अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आर्मर मैं बॉक्स में रखूँगा उसके बाद सेल्फ मारूंगा क्योंकि कभी कभार ये होता है हम लोग सेल्फ मारते रहते हैं। एक एक आर्मर झड़ते रहता है। 3-4 बार सेल्फ मारा पूरा आर्मर झड़ गया। वो गलती नहीं कर रही। अरे यार स्टील गिरा नीचे। चलो कोई नहीं हम लोग अपने टीममेट से बोल के स्टील जो है ना अपने बॉक्सेस में रखवा लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले तो मेरे को जो है ना अपने लिए बनाना पड़ेगा ड्राफ्टिंग टेबल क्योंकि अपने को रेसिपीज वगैरह ड्राफ्ट करनी है। सो उसके लिए मेरे को ड्राफ्टिंग टेबल चाहिए। तो फटाफट से हम लोग ड्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और उसको प्लेस करने के बाद एसएमजी रेड डॉट का रेसिपी ड्राफ्ट करेंगे। कहाँ पे प्लेस करूँ? यहाँ पे नहीं यहाँ पे तो सही नहीं लग रहा है कि बाहर। बाहर तो यार बेकार है यार बंदे यूज़ करते रहेंगे अपना। ऐसे करते ना क्लोसेट के बगल में लगाएं या फिर यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं ना। ठीक है चलो अभी मेरे को सबसे पहले तो रेड डॉट चाहिए और एसएमजी। सबसे पहले मैं रेड डॉट का रेसिपी ड्राफ्ट करता हूँ। लेट्स गो। 300 स्पीयर भूस क्लेम किया एंड उसके बाद हम लोग करते हैं एसएमजी का रेसिपी ड्राफ्ट। एसएमजी और रेड डॉट या जितना एक्स्ट्रा स्पीयर है ना हम लोग इसमें डालते हैं। ओके थोड़ा सा लॉक बनाता हूँ। एक मैं लार्ज बॉक्स बना दूंगा जिसमें हम लोग थोड़ा सा अपना सामान वगैरह रख सकें। वुड चाहिए मेरे को। छोड़ो तो ओके गाइज यहाँ पे अपना एसएमजी का भी रेसिपी ड्राफ्ट हो चुका है। फटाक से अपना एसएमजी का रेसिपी जो है ना मैं लर्न करता हूँ एंड अभी मैं 4 से 5 क्योंकि मेरा प्लान है अब 10-15 मिनट बाद ऑफलाइन चले जाऊँगा। मैं 5-6 एसएमजी बना के रखता हूँ 5-6 रेड डॉट बना के रखता हूँ। टर्फ मैंने ऑलरेडी यार अपने फ्रेंड्स लोगों को दे दिया है। उनको ज़रूरत होगा एसएमजी वगैरह लेके चले जाएंगे। यहाँ पे रखूँगा मैं एक बॉक्स पठान उसके बाद सीधा ऑफलाइन उसके अंदर रखूँगा एसएमजी रेड डॉट बना के। वैसे काल भाई ये चीज ठीक है चलो तो रैंक में नहीं मिलता है कर चकवा डालो सेफ में। उसके बाद मैं यहाँ पे पहुंचा एंड गैस स्टेशन में बंदे के फुट स्टैप्स आ रहे थे। मुझे ये पता नहीं था भाई वो बंदा जो है ना अंदर ही है। मैं अंदर बैठ के बाहर की तरफ देखने लगा था। बंदे ने पीछे से क्या ही गजब का भरा ना मजा ही आ गया। बट मैं दोबारा पहुंचा एंड भर दिया उस बंदे को। भाई ये बंदे ने भी ना पूरी की पूरी कसम खारी की है।
गैस स्टेशन मैं ही कैंप करूंगा, बट उसे क्या पता है इधर कोई दूसरा कैंपर बैठे हुए। वो कितने बार मर गई कालू भाई। चलो एक लेवल टू का मास्क और उठा के चलते हैं उसके बाद। बट उसकी एसएमजी नहीं गिर रही। भाई नहीं है लेवल टू का मास्क। हाँ नहीं है। क्या हम लोग एक बार ही ग्रीन रूम चेकआउट करें? ब्लू कार्ड अभी तक यार अपने को ब्लू कार्ड नहीं मिला। लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके अपने को खेलते खेलते। 11 बजे करीब आया था मैं ऑनलाइन, रात के 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे तक खेला था। क्यों यार टाइम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी शेड्यूल है। रात को मिलता है थोड़ा सा टाइम एंड उसी टाइम खेलता हूँ अब। और कुछ भाई लोग बोलते हैं कि ब्लडी खेल भाई, टाइम ना है इतना खेलने का। 2-2.5 घंटे ही मिल जाए वही बहुत है अपना इंजॉयमेंट करने के लिए। तो चलो यार अभी हम लोग चलते हैं फटाक से अपने बेस में करो। एंड उसके बाद हम लोग बेस गए, सारा जितना भी सामान था वो बेस में रखा। उसके बाद हम लोग दोबारा से पहुंचे हार्बर में, क्योंकि अभी अपने को ऑयल ड्रम एंड एडवांस वर्क बेंच करनी है। सो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ना स्पेयर वगैरह जमा कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे देखो लोंडे घोड़े में घूम रहे हैं एंड अभी तक अपने को घोड़ा ही नहीं मिला। कोई ना, तुम्हारा भाई भी यार घोड़ा जल्दी पकड़ेगा। बेटा निकल आराम से यहाँ पे से। मैं ठीक ठाक कंपोनेंट दिया। चलो उसके बाद मैं अंदर चलता हूँ, अंदर वालों को क्लियर करके आएंगे। चलो यहाँ पे से जंप करो आराम से। मार भी होगा मोटे को। अरे भैया जंप हो जा भाई, नहीं हो रहा ये, नहीं मानेगा ये। आराम से करना पड़ेगा। ओके ठीक है हो गया। मोटे को मारूंगा, मोटे को, मोटा ज्यादा सामान देता अपने को। अरे मोटा तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके आ गया आ गया आ गया, अब भी आया देखो। क्या ही सटीक टाइमिंग है यार, मोटा जब आता है जब हम आते हैं भाई। हमेशा ऐसे ही आना, अपने को कंपोनेंट देके जाना। भाई लगता है पर्पल रूम लूट लिया कोई। हाँ लूट लिया, नहीं ब्लू रूम था यार। तो चलो गाइस आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल वीडियो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मज़ा आएगा। कल हम लोग रेड वगैरह करेंगे एंड उसके बाद फिर जो आप लोगों ने बोला है बायो सर्वाइवल, बायो सर्वाइव करेंगे, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा। एंड वो सर्वर मैं 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं खेलूँगा, बस जस्ट फॉर चिल जाऊँगा, मज़े करूँगा और निकलूँगा। तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। एंड और तो कुछ नहीं, थोड़ा सा कंपोनेंट इस मैटर मार रहा हूँ।